नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से और आज आपके सामने वॉकिंग इंटरव्यू जो सिक्सटीन अप्रैल 2023 में नौ बजे से लेकर चार बजे तक इंदौर में है और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जायडस है तो दो दोस्तों जायडस का ये मोरैया प्लांट अहमदाबाद का है और उसका वॉकिंग इंटरव्यू वेन्यू है इंदौर के इंदौर में तो इंदौर में जैडस के प्लांट के लिए जो मुरैया लोकेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और उसका वॉकिंग इंटरव्यू है सोलह अप्रैल दो हज़ार तेईस को टाइमिंग है नौ बजे से चार बजे तक और इसमें वैकेंसी है दोस्तों प्रोडक्शन पैकिंग इंजीनियरिंग ठीक है प्रोडक्शन ट्रांसडर्मल है इंजीनियरिंग हो गया फिर मैनेजमेंट जो मैं इंस्ट्रूमेंटेशन है आईपी पी हो गया क्यूसी हो गया तो ये सभी डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है मोरिया जैडस का तो इसमें क्या क्या है और क्या क्या कंडीशंस है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ जो ओ प्लांट है ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म टैबलेट कैप्सूल के लिए ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव की एक्सपीरियंस चाहिए उनको बी फॉर्म एम फॉर्म और तीन से सात साल का एक्सपीरियंस चाहिए और पर्सन एक्सपीरियंस बैकग्राउंड चाहिए टैबलेट कैप्सूल जिलेटिन ठीक है उसमें सॉफ्ट जिलेटिन हो गया एनकैप्सुलेशन ग्रैनुलेशन कॉम्प्रेशन कोटिंग इंस्पेक्शन इसके साथ ही साथ पर्सन जो ऑफिसर होगा एग्जीक्यूटिव होगा इज एबल टू हैंडलिंग द मैन पावर मैन्युफैक्चरिंग प्लान ठीक है विथ एडिशन टू क्यूएमएस डॉक्यूमेंटेशन लाइक एज चेंज कंट्रोल डिवेशन कापा और इन्वेस्टिगेशन ठीक है तो ये था ऑफिसर टू एग्जीक्यूटिव और उसको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है थ्री टू सेवन ईयर्स का ऑपरेटर के लिए तीन से बारह साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा या आई अगर क्वालिफिकेशन है तो भी चलेगा और उनमें सेम इसी तरह एनकैप्सुलेशन में कैप्सूल में ग्रैनुलेशन में कॉम्प्रेशन में प्रिंटिंग एरिया में बूस्टर कोटिंग भी है इनके पास तो अलग अलग सेक्शन से उनको ऑपरेटर टेक्निकल असिस्टेंट टी को टेक्निकल असिस्टेंट बोलते हैं और एक्सपीरियंस चाहिए तीन साल से बारह साल का तो इसमें अलग अलग सेक्शन से ऑपरेटर उनको मोराया जाइडस प्लांट के लिए चाहिए नेक्स्ट है पॉट पैकिंग में बॉटल पैक बॉटल और ब्लिस्टर पैकिंग में ऑफिसर से लेकर एग्जीक्यूटिव तक क्वालिफ़िकेशन चाहिए बीएससी एस वी फॉर्म और एक्सपीरियंस चाहिए तीन साल से सात साल तक और उनका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस चाहिए पैकिंग में बॉडल पैकिंग ब्लिस्टर पैकिंग ठीक है लाइन क्लियरेंस से लेकर एक्टिविटी प्लानिंग वेम डॉक्यूमेंटेशन ये सभी उस ऑफिसर से एग्जीक्यूटिव पे पोजीशन पे जो ऑफिसर सेलेक्ट होगा एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट होगा उसको ये एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ऑपरेटर पैकिंग के लिए चाहिए तीन से बारह साल का उसको सी लाइन चलानी आती हो सचिड पैकिंग है ब्लिस्टर पैकिंग है बी क्यू एस ए सी सी पैम पैक तो ये इसके साथ साथ ये सभी मशीन चलाता हो और उनका एक्सपीरियंस हो ऐसा पर्सन ऑपरेटर टेक्निकल असिस्टेंट पैकिंग के लिए चाहिए नेक्स्ट है प्रोडक्शन नॉन ओ एस डी यानी ट्रांसडर्मल फैसिलिटी भी जहाडस मोरैया प्लांट में है तो उसमें उनको ऑपरेटर चाहिए वो आई टी आई या डिप्लोमा हो तीन से बारह साल का उसका एक्सपीरियंस हो और उसको क्रीम ऑइंटमेंट लोशन पैचेस इसका एक्सपीरियंस हो वेयर हाउस मतलब कि स्टोर के लिए ऑपरेटर चाहिए आई डिप्लोमा बी क्वालिफ़िकेशन चाहिए दो से सात साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसको पैकिंग मटेरियल आर और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन और ये सभी करते करते उसको ए यानी कि से का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है इसके साथ चाहिए इंजीनियरिंग में एग्जीक्यूटिव से लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव बीई या बीटेक का एक्सपीरियस क्वालिफिकेशन चाहिए एक्सपीरियंस चाहिए चार साल से आठ साल आ, चार से आठ साल के बीच में और उसको ओ एस डी इक्विपमेंट एच पी एस सी प्लस बी एम एस ऑपरेशन उसको आना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेनेंस कैलिब्रेशन ये सभी उसको आना चाहिए चिलर और वाटर सिस्टम का एक्सपीरियंस अगर है तो वो एडिट एड रहेगा गुड रहेगा पर्सन को पी एल सी और एच एम आई का नॉलेज होना ज़रूरी है मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में मैनेजर भी चाहिए उनको उनका क्वालिफिकेशन बी ई या बी टेक में होना चाहिए चौदह साल से लेकर अठारह साल का एक्सपीरियंस चाहिए ठीक है आर टी डी थर्मस कपल प्रेशर ट्रांसमीटर्स लेवल ट्रांसमीटर्स फ्लो मीटर्स कैंडिडेट्स शूड हैव स्ट्रॉ नॉलेज इन एच एम आई एस काड़ा कम्युनिकेशन सर्वर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स प्रोफाइबस प्रोफिनेट मॉडबस ई टी सी ये ये अलग उनका जो भी ये एक्सपीरियंस है ये सभी उनको एक्सपीरियंस चाहिए टेक्नीशियन इंस्ट्रोमेंटेशन में चाहिए जो डिप्लोमा या आई टी या